आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान अजय मिश्रा जी, मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री निशित प्रामाणिक जी, एनआईए के महानिदेशक श्रीमान कुलदीप सिंह जी, आसूचना ब्यूरो के निदेशक श्री अरविंद कुमार जी, दिल्ली के पुलिस आयुक्त श्री राकेश अस्थाना जी, रॉ चीफ श्री सामंत गोयल जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अलग अलग एजेंसियों के अधिकारीगण और एनआईए परिवार के सभी सदस्यगण, और विशेष रूप से आज जिनको अलग अलग पुरस्कारों से नवाजा गया है, वो सभी अधिकारीगण, उनके परिवारगण, प्रेस और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पूरे परिवार को बहुत मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे काम के लिए बधाई देना चाहता हूं। आज एनआईए दिन है। एनआईए के साथ जुड़े हुए पूरे परिवार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और एक माने में गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एनआईए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को बहुत मुस्तैदी के साथ, चुस्तता के साथ और दक्षता के साथ न केवल संभाल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और इतनी कम आयु में जो कन्विक्शन दिलाने में गोल्ड स्टैंडर्ड्स एनआईए ने स्थापित किए हैं, 90% से ज्यादा दोष सिद्धि का प्रमाण, वो भारत की सभी एजेंसियों के सभी रिकॉर्डों को तोड़ने वाला है। और आपकी जांच भी इस प्रकार के अपराधों में होती है जहां साक्ष्य मिलना दिक्कत होती है, कई बार प्रमाण मिलना भी दिक्कत होती है, फिर भी जिस दक्षता के साथ आपने दोष सिद्धि का ये अचीवमेंट प्राप्त करा है, वो देश भर की पुलिस और आतंकवाद विरोधी जितनी भी एजेंसियां हैं वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के समान है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 13 साल का कालखंड किसी संस्था के लिए तो शिशु अवस्था जैसा होता है। कोई संस्था 13 साल में अपनी साख बना ले, अपनी छवि बना ले, ये अपेक्षा करनी भी ठीक नहीं होती। परंतु मैं निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री के नाते कह सकता हूं, एनआईए ने ये अल्प काल अवधि में भी अपनी साख भी बनाई है और दुनिया भर की एजेंसियों के बीच में अपनी छवि बनाने का काम भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। और मैं आज पूरे एनआईए परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। उस समय एनआईए को भारत सरकार का जो भी समर्थन, जो भी सहायता किसी भी स्वरूप में अपेक्षित हो वो देने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध भी है और हमें आनंद भी आएगा। मित्रों, आज हमारा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। विश्व के किसी भी क्षेत्र के अंदर आज ऐसी स्थिति की निर्मिति हुई है
कि भारत को छोड़कर विश्व के लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकते हैं। चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक विकास का क्षेत्र हो, चाहे सम विकास का क्षेत्र हो, चाहे आतंकवाद को नष्ट करने का क्षेत्र हो, भारत को छोड़कर विश्व के किसी भी प्रकार के लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकते, निश्चित भी नहीं हो सकते। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि भारत की आंतरिक सलामती सुदृढ़ रहे और सुनिश्चित रहे। मोदी जी ने पूरे देश के सामने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हमें सिद्ध करना है तो देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और ऐसे समय में आज एनआईए दिन के अवसर पर एनआईए के साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए एक मौका है, आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, एक संकल्प लेने का, कुछ लक्ष्य सिद्ध करने का। और ये जो 25 साल आजादी के अमृत काल के हैं, 75 साल से 100 साल, उसमें एनआईए ने भी अपने लक्ष्यों को तय करना चाहिए और सिद्धि का रोड मैप भी बनाना चाहिए। सफलता बहुत अच्छी चीज होती है, मगर ये निर्भर करता है कि आने वाले दिनों के लिए सफलता कैसा, किसी भी संगठन के लिए सफलता किस दिशा में ले जाएगी, वो निर्भर इस चीज पर करता है कि सफलता को संगठन किस प्रकार से लेता है। सफलता से अगर संतोष की निर्मिति होती है तो आलस्य का निर्माण होता है, और सफलता से और ज्यादा आगे जाने की भूख अगर जगती है तो संस्थाएं और आगे बढ़ती हैं। इसलिए एनआईए ने सफलता को कंसोलिडेट करना है और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज भी करना है। जब तक सफलता को कंसोलिडेट नहीं करेंगे, एक संस्था के नाते, एक एजेंसी के नाते एनआईए आगे नहीं बढ़ेगी। और कंसोलिडेट करने के बाद, क्योंकि एनआईए एक राष्ट्रीय एजेंसी है, अफसरों का चयनिंग होता रहता है, इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जब तक नहीं करोगे, व्यवस्थाओं को संस्थागत नहीं करोगे, इंफॉर्मेशन को जब तक संस्थागत नहीं करोगे और इंफॉर्मेशन के उपयोग के तरीकों को भी जब तक संस्थागत नहीं करोगे, आगे प्रगति संभव नहीं है। वरना एक अफसर आया, ढेर सारा अनुभव भी लिया, सफलता भी अर्जित की, फिर अपने राज्य के कैडर में चला गया। अगर हम सफलता के सभी आयामों को संस्थागत करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, तो संस्था को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आज का दिन है, हमने ये दो क्षेत्र में काम करना, हमारी सफलता केसों के बारे में न सोची जाए, हमारी सफलता को पद्धति में कन्वर्ट करें, इसको कंसोलिडेट करें। और हमारी सफलता व्यक्तियों की सफलता ना हो, हमारी सफलता इंस्टीट्यूशन की सफलता हो। सफलता के सभी पद्धतियों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए हम कोई मैकेनिज्म बनाए, ये आज के समय में बहुत जरूरी है। मित्रों, आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप, और वो अभिशाप इसका सबसे बड़ा दुनिया में अगर किसी ने दंश झेला है तो हमारे देश ने झेला है। और मैं सुनिश्चित रूप से मानता हूं, मेरा हमेशा मानव अधिकार संगठनों से थोड़ा एंगल के बारे में झगड़ा भी रहता है, जब किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान होते हैं तो कुछ मानव अधिकार संगठन मानव अधिकार के मामले को लेकर आगे बढ़ते, अपने आप में वो सच है, मगर मैं हमेशा मानता हूं आतंकवाद से बड़ा मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई चीज हो ही नहीं सकता। आतंकवाद इटसेल्फ मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाला। तो आतंकवाद को नष्ट करना वो मानव अधिकारों के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकता। आतंकवाद को खत्म करना, मूल समेत खत्म करना, वो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा इस पर आग्रह देता हूं, मैं एनआईए को भी कहता हूं
कि विरोध होते रहते हैं, सफलता हो और विरोध न हो तो सफलता का कोई मजा ही नहीं है। दृढ़ निश्चय के साथ आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में एनआईए ने आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि आतंकवाद संबंधी सभी सूचनाओं को देश भर की पुलिस और सभी एजेंसियों के साथ साझा करने में एक समन्वय स्थापित किया जाए, आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत और पुख्ता बनाया जाए, आतंकवाद विरोधी इंस्टीट्यूशंस को ताकत दी जाए, उसको मजबूत की जाए और आतंकवादी मामलों में 100% दोष सिद्धि का प्रमाण हम लक्ष्य लेकर चले। ये 5 स्तंभ पर आतंकवाद विरोधी अभियान आगे बढ़ सकता है और मुझे हर्ष है कि 5 स्तंभ पर एनआईए ने, मैं 3 साल से तो प्रैक्टिकली देख रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से प्रगति की है। मित्रों, 2000 से 2022 तक के देश के आतंकवादी के मामले में सिनेरियो का एनालिसिस करें तो ढेर सारी घटनाएं जहन में आती है और चली जाती है, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो व्यवस्था में रिफॉर्म को ट्रिगर करती है। मुंबई पर आतंकवादी हमला एक ऐसी ही घटना थी जिसके बाद राष्ट्रीय एंटी टेरर एजेंसी बनाई गई, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए भी एक प्लान बना, टेरर फाइनेंस पर भी नकेल कसने के लिए सभी एजेंसियां सजग हुई, टेरर इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी गुणात्मक सुधार आया है और इंटेलिजेंस की व्यवस्थाओं में भी और इंटेलिजेंस के सही समय पर सटीक उपयोग के लिए भी काफी समयबद्ध कार्यक्रम बने हैं। और मुझे आनंद है कि देश भर की पुलिस और सभी एजेंसियों ने ये बर्बर हमले से सीख लेते हुए आज आतंकवाद विरोधी अभियान को मजबूत किया है। और 13 साल हो गए एनआईए को बने हुए, लगभग 400 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, 349 से ज्यादा मामलों में चालान दाखिल कर दिया गया है, लगभग 2494 अपराधियों को पकड़ा गया है, 391 को सजा दिलाने में आप सफल हुए हैं और 93.25% का दोष सिद्धि का रेशियो, 93.25% कन्विक्शन रेशियो, बहुत अभिनंदन के पात्र। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2014 से एनआईए के सशक्तिकरण के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं और हम चाहते हैं, सरकार की यह मंशा है कि एनआईए सशक्त बने, मजबूत बने और दुनिया भर में एनआईए की आतंकवाद विरोधी एजेंसी के रूप में एक स्वीकृति आए। कई शाखाएं खोली गई हैं, डीजी एनआईए ने इसके बारे में डिटेल ब्यौरा दिया है, आवासीय परिसरों का भी निर्माण हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु हमने एनआईए एक्ट और यूएपीए एक्ट को मजबूत करने का काम किया है। और मित्रों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, मैंने ही बिल पायलट किया था, उसके बाद एनआईए को कई प्रकार के अधिकार मिले हैं। भारत के बाहर किसी भी आतंकवादी हमले में जहां भारतीय इन्वॉल्व हो, हताहत हुआ हो, उस मामलों की जांच करने के अधिकार एनआईए के दिए गए हैं और इसीलिए मैं कहता हूं कि एनआईए को अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में भी स्वीकृति लाने का लक्ष्य लेकर उसको सिद्ध करना चाहिए। घुसपैठ, विस्फोटक पदार्थ, साइबर अपराध, इसके भी अधिकार नए संशोधन में हमने एनआईए को दिए हैं। पहले एनआईए आतंकवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अधिकार रखती थी, अब हमने संगठनों के साथ साथ
व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का भारत में पहली बार अधिकार एनआईए को दिया है और अब तक 36 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। एक नए प्रकार की शुरुआत है। जब बिल लेकर मैं पार्लियामेंट में गया तो उन्होंने कहा कि काफी लोग तो देश के बाहर होंगे। उस वक्त मैंने जवाब दिया था, देश के बाहर जरूर होंगे, जहां पर भी होंगे उनके ऊपर एनआईए का आतंकवादी ठप्पा उनके जीवन में से सहजता छीन लेगा, उनको इनका जीवन को दुष्कर बना देगा और ये हमारा काम है। और इसलिए एक कानून का परिवर्तन लेकर हम आए हैं एनआईए के प्रशिक्षण पर। मैं बहुत वजन देता था, मुझे आनंद है कि जुलाई 21 में एनआईए के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद के साथ एक करार कर लिया गया है और अब ये काम आगे भी बढ़ गया है। एनआईए को विश्व की अन्य शक्तिशाली एजेंसी के रूप में विकसित करने के लिए, उसका पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए 2 विशेषज्ञों के एक सेल की भी स्थापना की गई है। अनेक प्रकार के कठिन क्षेत्रों में एनआईए ने विगत 7 सालों में बहुत अच्छा काम किया। मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ना एक बात है, आतंकियों से लड़ना एक बात है, मगर आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देना दूसरी बात है। और वो अगर उखाड़ कर फेंकना है तो टेरर फंडिंग की उनकी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना पड़ेगा। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 और 19 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के जो मामले रजिस्टर किए, उन्होंने, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में बहुत बड़ा सहायता किया है। टेरर फंडिंग पर आज तक हमारी एजेंसियों ने उनके अलग अलग तरीकों पर, निर्दोष दिखते तरीकों पर कभी भी आघात नहीं किया था। पहली बार 18 और 19 में एनआईए ने जो केस रजिस्टर किए, इसके कारण आज उनको पैसा मुहैया कराने वाले सरल रास्ते नहीं बचे। हो सकता है कि किसी भी दूषण को समाप्त न कर पाए, मगर उसके रास्ते में दखल तो दे ही सकते हैं, उनका रास्ता दुष्कर तो बना ही सकते हैं। और ये काम एनआईए ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर जो होते थे, उसके अभी अभी 2021-22 में ढेर सारे केस एनआईए ने रजिस्टर किए हैं और उनके स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इससे उनके लॉजिस्टिक्स और हथियारों के सप्लाई दोनों पर एक कठोर आघात हुआ है। और जो आतंकवाद की मदद भी करते थे और समाज में सम्मान के साथ जीते थे, ऐसे सभी लोगों को आज अपनी पहचान एक्सपोज करने के लिए एनआईए ने मजबूर किया है और उनको कानून की अदालत में ले जाकर खड़ा किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। वामपंथी उग्रवाद में भी, बारूद और रसद मुहैया कराने में भी एनआईए ने शुरुआत की है और विशेषकर टेरर फंडिंग के साथ साथ वामपंथी उग्रवादी संगठनों के भी फंडिंग को इसके मूल तक पहुंचने के कुछ केस एनआईए को दिए गए। मुझे आशा है कि जम्मू कश्मीर की तरह इसमें भी बड़ी सफलता मिलेगी। टेरर फंडिंग संबंधी टोटल 105 मामले रजिस्टर हुए, 876 आरोपियों के खिलाफ 94 चार्जशीट भी दाखिल हो गए हैं और 796 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है और उसमें से 100 आरोपियों को दोषी भी ठहराया गया। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। बहुत कम समय के अंदर, 2 साल के अंतराल के अंदर, 3 साल के अंतराल के अंदर ये सिद्धि एनआईए ने प्राप्त की है। मैं फिर से एक बार एनआईए की इस मुहिम का मैं बहुत बहुत अभिवादन भी करता हूं और इसके लिए उनको बधाई भी देता हूं।
मित्रों, मेरा आग्रह है कि देश की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन हो। अब इन्वेस्टिगेशन थर्ड डिग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तकनीक की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन डेटा की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए। थर्ड डिग्री का अब जमाना नहीं है, करना भी ठीक नहीं, मगर ये परिवर्तन लाना है तो डेटाबेस बनाने पड़ेंगे और डिजिटल फोरेंसिक के साथ भी दक्षता हासिल करनी पड़ेगी। एनआईएन को एक हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें मादक पदार्थ, हवाला ट्रांजैक्शन, हथियारों की तस्करी, जाली मुद्राएं, बम धमाके, टेरर फंडिंग और टेररिज्म, इतने 7 क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का काम दिया गया है। इसकी शुरुआत भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अगर ये राष्ट्रीय डेटाबेस बनता है और देश भर की इस सारे 7 स्तंभों में इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसियों के साथ वो राष्ट्रीय डेटाबेस को अगर हम साझा करते हैं और उनके पास में ही भी उनके राज्यों की सारी इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में ऐड करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्षेत्र के अंदर न केवल राष्ट्रीय एजेंसियां, देश भर की पुलिस की एजेंसियों को भी काफी मदद मिलेगी। और ये एनआईए ने शुरुआत की है, मगर बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप भी करना चाहिए, ये भारत सरकार की एनआईए से अपेक्षा है। डेटा अगर असंबद्ध रूप से एक दूसरे को कनेक्ट करे बगैर, किसी भी एनालिसिस के बगैर अलग अलग साइलों में उपलब्ध है तो वो डेटा नहीं है, रद्दी है। डेटा अगर संबंध तरीके से स्टोर किया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है और साइलों में रहने की जगह एक ही जगह पे डेटा उपलब्ध है, तो मैं मानता हूं इसका उपयोग इन्वेस्टिगेशन में भी हो सकता है और सजा कराने में कोर्ट के अंदर भी हो सकता है। अभी की जो स्थिति है इस क्षेत्र के अंदर देश में इतनी संतोषजनक नहीं है। आईबी, एनआईए और नेटग्रिड तीनों मिलकर इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। अभी अभी एक बिल मैं लोकसभा में लेकर गया था, जेलों को भी इसके साथ हमने जोड़ने का काम किया है, वो बिल से हमें अधिकार मिला है। तो मैं मानता हूं डेटा के, डेटाबेस के असंख्य स्रोतों को इकट्ठा कर एक बहुत बड़ा डेटा का भंडारण एनआईए जैसी संस्था में अगर होता है तो आने वाले दिनों में वो बहुत देश के लिए उपयोगी होगा। एनआईए के लिए ये भी जरूरी है कि राज्य की एजेंसियां जो आतंकवाद विरोधी जांच करती है, कहीं बड़े शहरों में क्राइम ब्रांच है, कहीं एटीएस बने हुए, कहीं स्पेशल टास्क फोर्स बने हुए, ये सारी एजेंसियों के साथ एनआईए ने लाइव संपर्क रखना चाहिए, उनको गाइड भी करना चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन शेयर भी करनी चाहिए और उनके पास से इंफॉर्मेशन प्राप्त भी करनी चाहिए। जब तक एनआईए का देश भर की आतंकवाद विरोध में टेरर फंडिंग के ऊपर काम करने वाली सारी एजेंसियां, हवाला के ऊपर काम करने वाली सारी एजेंसियां और विस्फोटकों की जांच के ऊपर काम करने वाली सारी एजेंसियां से सामंजस्य नहीं बैठता, एक मजबूत ग्रिड आतंकवाद के विरुद्ध में लड़ने की देश में बन नहीं सकती। मुझे लगता है कि एनआईए ने इस दिशा में भी आने वाले दिनों में आगे बढ़ना चाहिए। मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो बन रहा है, उसमें भी एक जो नए लड़कों को टेररिज्म के साथ जोड़ने की मोडस ऑपरेंडी है, इसका स्टडी करने में एनआईए ने भी बीपीआरएनडी की मदद भी करनी चाहिए और वहां जो कुछ भी मटेरियल आया है उसका स्टडी कर अपने काम के मटेरियल को आगे ले जाना है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट के अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं बहुत पुराने कानून है, उसको समयानुकूल बदलाव इसमें जरूरी है। और अगर ये बदलाव होता है तो इससे न केवल रोजमर्रा के अपराधों पर कंट्रोल लेने में हमें सफलता मिलेगी, इसके साथ साथ विशेष प्रकार के अपराध जो एनआईए देख रहा है,
चाहे वो जाली नोटों का हो, चाहे हवाला ट्रांजेक्शन का हो, चाहे आतंकवाद रिलेटेड हो, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट वामपंथी उग्रवाद और कश्मीर के थिएटर के स्पेशल टेररिज्म के केस हो, इस सबको बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि 13 साल की आयु में एनआईए ने देश और विदेश में अपनी साख को प्रस्थापित किया है और मोदी जी के टेरर फ्री इंडिया का जो लक्ष्य है 100% जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये जो लक्ष्य है उसको सिद्ध करने में आपकी बड़ी भूमिका है। फिर से एक बार 13वें स्थापना दिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका अब तक के काम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम।